को लेकर अब गुस्सा देखने को मिल रहा है लोगों में। बाबा के पोस्टर पर पत्थर चलाते युवा का नजर आया है। इसी जगह कल भगदड़ मची थी और लोगों में अब गुस्सा भी नजर आ रहा है। ये देखिए, लोग जो पोस्टर लगे हैं उस पर पत्थर फेंकते हुए नजर आए हैं। लोगों का जो गुस्सा है वो अब नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों ने अपने अपनों को गवा दिया। 121 लोगों की इसमें जान चली गई है और लोगों का अब जो गुस्सा है वो नजर आ रहा है। और ये देखिए, जो पोस्टर लगे थे इस घटनास्थल पर जहां कल घटना घटी है, वहां जो पोस्टर लगे थे वहां लोग पत्थर फेंकते हुए नजर आए हैं। इसी जगह पर भगदड़ मच गई है। जेपी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं क्योंकि घटनास्थल पर जेपी मौजूद हैं। जेपी, अब लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है, पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं इस वीडियो में। जेपी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए बातचीत करेंगे जेपी से, लेकिन आपको बताएं ये जो वीडियो सामने आया है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जाहिर से बात है, ये गुस्सा जायज है क्योंकि लोगों ने अपनों को खो दिया है और कितने तो लोग ऐसे हैं जो अपनों को ढूंढ तक नहीं पा रहे हैं और इसी वजह से गुस्सा लोगों का अब निकल रहा है और वो पोस्टर पर अपना गुस्सा निकालते हुए नजर आ रहे हैं और पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही घटनास्थल है जहां पर हमारे सहयोगी भी मौजूद है, एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं हम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। लेकिन ये घटनास्थल पर यही पोस्टर लगे थे, कल यहीं पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, 2.5 लाख की भीड़ इसी घटनास्थल पर मौजूद थी और ये जो पोस्टर लगे हैं यहां लोग पत्थर फेंकते हुए नजर आए हैं, अपना गुस्सा जताते हुए नजर आ रहे हैं, गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब गुस्सा लोगों में है, बेहद अपनों को खो दिया है। कितने लोग हैं जो अपनों को ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी तक मिल नहीं पा रहे। जेपी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जेपी, अब लोगों का गुस्सा निकलता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए पोस्टर पर पत्थर फेंक रहे हैं। बिल्कुल, देखिए गुस्सा होना लाजमी है कि बाबा तो चले गए, बाबा के पीछे भीड़ भागी, बाबा अनदेखी करके चले गए, बाबा रुकते तो भीड़ रुक जाती, या बाबा एक अनाउंसमेंट करके जाते कि देखिए भगदड़ नहीं करनी, आप बहुत संख्या में पहुंच गए, तो ये हादसा नहीं होता। क्योंकि जिस बाबा के पीछे लाखों के लोग आस्था के पीछे चले आते हैं, उस बाबा का कहना वो जरूर मांगते। लेकिन लोग जो बता रहे, बाबा ने खुद कहा कि मेरी अचरज लेके जाना, मेरी मिट्टी लेके जाना, जिससे आपका कल्याण हो जाएगा। तो आप सोचिए, वो ही उसी चक्कर में लोग वहां भागे और यहाँ यह हादसा हुआ। अगर बाबा मंच से कहकर जाते कि देखिए आप आराम से, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, आप एक एक करके निकलिएगा, बहुत ज्यादा, मैंने अमूमन कई बार चुनावी रैलियों में देखा है, मैं इसलिए जिक्र बार बार कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रैली से कम नहीं है नजर आ रही है। अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली कवर करेंगे तो इतना ही बड़े एकड़ में आपको टेंट लगा मिलेगा, ऐसे प्रोटोकॉल होगा, ऐसे ही गाड़ियां निकाली जाती है। लेकिन मैंने कई बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना है क्योंकि आराम से आप अपने घरों तक पहुंचिएगा, सुरक्षित आप पहुंचिएगा, आराम से निकलिएगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। लेकिन बाबा ने वो जहमत नहीं उठाई और अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आप सोचिए 125 लोगों की मौत हो गई है, आप सोचिए कि जेपी, जब ऐसे आयोजन होते हैं तो जो सेवादार होते हैं, जिनके खिलाफ भले ही एफआईआर अभी दर्ज कर ली गई हो, लेकिन उन सेवादारों को इसीलिए लगाया जाता है कि वो भीड़ को कंट्रोल करें और भीड़ को इधर उधर बेकाबू ना होने दें। उस दौरान सेवादार कहां थे? बाबा के जितने अनुयायी थे जिन्हें लगाया जाता है ऐसे आयोजनों में, वो कहां गायब थे? ये भी बहुत बड़ा सवाल है, कैसे इतनी भीड़ एक साथ इकट्ठी हो गई, क्योंकि हर जगह बाकायदा वॉलंटियर्स रहते हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं। देखिए मैं आपको कुछ नाम बताता हूं, सिर्फ यहां एक दो पोस्टर लगे जिसमें आपको बता दें, देव प्रकाश मधुकर है प्रभारी, देखिए न्यू कॉलोनी दमदोरा सिकंदरा राव के रहने वाले हैं, ये सेवादार थे। महेश चंद्र खेड़िया खुर्द के, सिकंदरा राव के थे ये। और इसके अलावा देखिए मैं आपको बता दूं, चंद्र प्रकाश, चंद्रदेव और राम प्रकाश। अब देखिए हम कोशिश करते हैं, लाइव कोशिश करते हैं, ये बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको एक एक करके इन चारों का नंबर मैं ट्राई करता हूं। ये नंबर मैंने पोस्टर से लिए जो आयोजक थे, मुख्य आयोजक। आप देखिए इनका, आप देखिएगा, मैं उनको फोन किया, ये मधुकर जी हैं, इंजीनियर है, ये देखिए, आप सुनिए, ये पहले आयोजक जिनका नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। अब मैं दूसरा नंबर ट्राई करता हूं, दूसरे आयोजक है उनका नंबर ट्राई करता हूं, ये देखिए, ये राम प्रकाश है, ये देखिएगा, कृपया
कुछ समय पश्चात प्रयास करें। आप सुन पा रहे हैं, दर्शक सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, स्विच ऑफ, सभी के स्विच ऑफ है, बिल्कुल सभी के स्विच ऑफ है। जेपी आप बने हुए हैं हमारे साथ, तो ये देखिए ये वो सेवादार हैं जिनके नंबर जेपी ने लिए हैं, जो पोस्टर में नंबर दिए गए थे, इसीलिए नंबर दिए जाते हैं कि अगर कोई दिक्कत आ रही है तो इनसे संपर्क साधे। और अब दिक्कत तो ऐसी हो गई, अब वो फोन उठाना भी बंद कर दिया है उन्होंने। बने रहे जेपी हमारे साथ, एक बार उस विज्ञापन के जरिए